हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एमी और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सिजेरियन डिलीवरी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, जिससे आपको भी पता चले कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं सिजेरियन आपका होना है। तो आप इससे अपना माइंड भी प्रिपेयर कर लेंगे और आपको डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपना ख्याल रखें, इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें और वीडियो एंड तक देखें कि आपको सारी जानकारी मिले, आपको कोई डाउट ना रहे। 9 मंथ में हमारे साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण आने लगते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अब हमारा टाइम आ गया है डिलीवरी का। और इसमें तो लेबर पेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो जब आपको 9 मंथ लगते हुए आप करवा सकते हैं अपनी डिलीवरी। और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में आ जाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिससे वो हमें 9 मंथ में जो हमारे लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है उससे क्लियर हो जाता है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे डॉक्टर क्लियर बोल देते हैं कि हमारा नॉर्मल नहीं हो सकता है, सिजेरियन ही होगा। तो ऐसे ही कुछ आपसे लक्षण शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, पहला है बच्चे की पोजीशन। तो बच्चे की पोजीशन अगर हेड नीचे नहीं आता, हेड डाउन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं जैसे बच्चा बीच में है, आड़ा टेढ़ा है और उसका हेड डाउन नहीं हुआ है, तो इसमें ना बच्चे को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमें पहले ही से ही प्रेपर हो जाना चाहिए कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर बच्चे की जान पे तो नहीं आने देंगे ना, तो इसलिए वो हमें बता देते हैं कि हेड डाउन नहीं हुआ है तो इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो हमें सिजेरियन ही करना पड़ेगा। क्लियर कर देते हैं कि आपको सिजेरियन ही होगा, तो आपको डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे और हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ही ये डिसीजन लेते हैं, तो हमें उसका नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और नंबर टू है हमारा हाई बीपी, शुगर या और भी कोई आपको प्रेगनेंसी में डिसीज़ है, तो इस समय डॉक्टर सिर्फ सिजेरियन का ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि इस टाइम हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है और ना ही हमें नॉर्मल डिलीवरी का वेट करना है। क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी और या फिर शुगर या और भी कोई डिसीज़ हो, तो इस चीज़ में हमें सिजेरियन के लिए ही रेडी होना चाहिए। इस समय डॉक्टर हमें नॉर्मल डिलीवरी के इसलिए सलाह नहीं देते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है, जो उसमें एनर्जी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस डिसीज़ की वजह से। तो इस समय हमें नॉर्मल डिलीवरी का बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए हमें। नंबर तीन है ब्लड की मात्रा। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं ना, इस समय हमारा खून का लेवल हाई हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें खून की मात्रा 9 पॉइंट तक चाहिए। अगर आपका 9 पॉइंट तक नहीं है खून का लेवल, तो डॉक्टर इस समय हमारा सिजेरियन ही करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इस समय हमें नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, तो सिजेरियन ही होगा। और फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए। और नंबर इसके बाद की कंडीशन जो होती है, ज़्यादा वेट गेन, नंबर 4 है ज़्यादा वेट गेन करना। अगर आपने ज़्यादा वेट गेन कर लिया है प्रेगनेंसी में, आपने ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, ओवर वेट कर लिया है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपको सिजेरियन की ही सलाह देंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट अच्छा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं और आपको सिजेरियन करने की ही सलाह देते हैं, और डॉक्टर की सलाह हमें माननी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे और हमारे बच्चे के दोनों के लिए ही करते हैं। तो इस चीज़ में हमें नॉर्मल डिलीवरी का भी वेट नहीं करना चाहिए, ना हमें सोचना चाहिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं हमें इजीली मानना चाहिए। तो हमें डॉक्टर की सलाह मानते हुए हमें नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण हैं कि आपकी सिजेरियन ही होनी है और हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी राय माने तो ये आपके ये महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिन्हें मैंने बताया है, जो मेरे साथ हुआ है, और ये इसलिए आप भी अप्लाई करें और आप भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट ना करें। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आपका सिजेरियन ही होना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आपके साथ